दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। फ़ोटो में आप लोग देख रहे हैं कुसुम अपने पति के साथ है। हालांकि अभी कुसुम का मर्डर हो चुका है और इनका कहना है कुसुम की हत्या करके उसे छत से नीचे फेंक दिया गया। खेड़ी रोड के पास भारत कॉलोनी में ये लोग रहते हैं। पहले हम फ़ोटो दिखा रहे हैं कुसुम की। आप कुसुम की फ़ोटो देखिए, इसी का मर्डर हुआ। करीब एक महीने हो गए लेकिन पुलिस की गिरफ्त से अभी सभी आरोपी बाहर हैं। ये फ़ोटो पकड़िए भाई साहब, बातचीत करते हैं। लोग कहाँ पर रहते हैं, शादी कहाँ पर हुई थी, कितने साल पहले शादी हुई थी, हर चीज़ की जानकारी हासिल करेंगे। ये माँ है, ये पिताजी हैं उनके, भाई हैं आप। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम राजेश है। राजेश जी हैं, तू आजा लाली। राजेश जी हैं। FIR दर्ज है भैया? हाँ जी, FIR दिखाओ, कॉपी दिखाओ FIR की। FIR की कॉपी दिखाते हैं, उसके बाद पूरे मामले की जानकारी हासिल करेंगे। देखिए FIR है 156 और अंडर सेक्शन 304B 34498A। तो आप लोग देख सकते हैं दहेज का केस भी है, FIR दर्ज हुई है और इसमें जो आरोपी हैं उनकी भी एक तरह से हम डिटेल आपको दिखाएंगे। आओ भैया कैमरा मैन, आगे आ जाओ। नाम वाम नहीं दिया इसमें? नाम दिए हैं इसमें, चार चार पांच बंदों के नाम है जी इसमें। और नाम लिखवा रहे, एक आदमी आगे पलंग से उन्होंने लिखा ना दिया। अच्छा, नाम लिखने नहीं दिया। अच्छा, हाँ नाम लिखा ना दिया। एक मिनट नाम तो है इसमें दिखा लो। वीर सिंह उर्फ बिट्टू, भूषण, रवि, राम कुमार। 156 है कितना जी? जी फाइल नंबर 156 है जी। थाना होटल। हाँ, नाम क्या है इसके पति का? इसके पति का नाम है जी बिट्टू। हाँ, इसको पकड़िए आप। अब बताइए क्या हुआ था आपकी बहन के साथ? बताइए क्या हुआ आपकी बहन के जी? हमारी बहन के साथ में हुआ था जी। वो जी उसके अंदर चार पांच ऐप थे और उस पर ही 4-5 लाख रुपए कर्जा हो रहा है। ऐप थे उसके, उसी बिट्टू के जी पति पर। हाँ जी, पति पे जी। तो उस पर 4-5 लाख रुपए कर्जा होता था, हो रहा था। तो वो बोलता था कि अपने भाई बहनों अपने भैया पे से 1-1 लाख रुपए लेके मेरा कर्जा पटवा। तो इसी दौरान वो रात को आता था, 12-12 बजे तक कोई टाइमिंग नहीं था घर पे आने का। तो उसको मारता था, पीटता था। तो एक बार उसकी टांग भी तोड़ दी थी। बच्चे वगैरह भी थे उस पे? बच्चे नहीं थे जी। अच्छा। हाँ, उसको बोलता था कि मेरे को बच्चे पसंद नहीं है। क्या हुआ था? आपने शिकायत में लिखा है अंतिम संस्कार के वक्त आप पर हमला किया गया था। हाँ जी, हमारे साथ हमला किया गया था जी। हम वो वहाँ से छत से फेंक के नहीं मारी थी, वो मार के ऊपर से फेंक दी थी। अब पता नहीं उसके जरिए कैसे मारी कैसे नहीं मारी। पिताजी आप आ जाइए, थोड़ा आपसे बातचीत करेंगे, थोड़ा बताने में दिक्कत हो रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चुन्नी लाल है। यहीं पर रहते हैं? हाँ जी। बेटी का क्या नाम था? कुसुम। शादी कब की थी? मतलब 5वीं साल चल रही है। कहाँ पर शादी हुई थी? यहीं पर हुई थी। यहीं पर शादी की? हाँ जी। और कौन से घर में, किसके घर में की थी, किसके साथ की थी? होटल में करी शादी। होटल बताओ। होटल आप आओ, अम्मा जी। लड़की भैया कहाँ पर शादी की थी? शादी इसी जगह पर करी थी। कहाँ पर भेजा था बेटी को, कहाँ पर भेजा? होटल में भेजा था। किसके घर में भेजा था? बिट्टू उसका पति था। नाम बिट्टू है। हाँ, अब आप लोग कह रहे हैं बेटी को मार दिया, कत्ल कर दिया गया। हाँ हाँ, छत से फेंक दिया गया। उसके बाद तो किस आधार पर कर रहे हैं? क्या उसने कभी बताया था कि मेरे साथ मारपीट हुई? हाँ जी, पहले मारी थी वो, पहले डंडन से मारी थी। मैंने बंगाली डॉक्टर पे इलाज करवाया था उसका। पहले जो है मांस सगरो फाड़ दिया कमर को, जांग को फाड़ दी नो। पहले इलाज भी करवाया मैंने, और खेतन में काम कर करके नहीं, मैंने 1-1 रुपया जोड़ के नहीं उसकी शादी करी। आई समझे, मोटरसाइकिल दई ना ही, वैसे खूब दयो मैंने, खूब दयो जितने में ऊपर दयो गयो। बच्चे थे आपके? मेरे मेरे 6 बच्चे, 3 लड़के, 3 लड़का थे। बड़ी थी छोटी? कुसुम सबसे छोटी थी। हाँ, कुसुम। अच्छा, जब उसका कत्ल हुआ, आपके रे मर्डर हो गया, उससे कितने दिन पहले उससे आपकी बातचीत हुई थी? जैसे बिस्पित को बात हुई है, बिस्पित को बात कुछ बताया था मारपीट होती में? नहीं, तो कुछ नहीं बताया उसने। ये नंद भावजन ने खूब बात करी है रात को 9-10 बजे तक। ननद का है? ननद का है, उसको बुलाओ। और सुबह ननद को बुलाओ। आप लोग बता नहीं पा रहे हो सही से। कोई ऐसा आदमी चाहिए जिसकी बातचीत होती रही हो लगातार। हाँ, आप बताइए क्या नाम है? अनीता नाम है मेरा। आपकी क्या बात होती थी? मतलब राजी खुशी बात होती थी। जिस 23 तारीख को बात हुई थी, उस टाइम ऐसा झगड़ा कुछ नहीं था उनके बीच में। अच्छा। हाँ, तो मतलब राजी खुशी जैसा कभी उसने बताया हो कि मेरे साथ मारपीट? हाँ, मारपीट होती थी, मारपीट होती थी। जैसे कई बार लड़ाई हो गई थी, मांस भी फाड़ दिया था, पैर आँख पे भी मार दी थी। लड़ाई झगड़ा तो उनमें होता रहता पहले। हाँ,
पहले लड़ाई झगड़ा होता हाँ, पहले होता था लेकिन 23 तारीख को लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं था उनके। अच्छा, तो कैसे कह रहे हैं कि मार के फेंक दिया, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कई निशान भी दिखाओ भाई है तुम्हारे पास, कितने निशान है उसमें? 35-36 निशान भी आए हुए हैं। उस दिन लड़ाई नहीं हुई जिस दिन मारिए वो। अच्छा, बस पहले पहले लड़ाई हुई है आई समझ में, और वो अंदर मार के कमरा में वो नीचे फेंक दिए फिर। अच्छा, रस्ता में उसके बाद छत से फेंके हैं? हाँ, उसके बाद छत से फेंके। एफआईआर तो हो गई है, अब आप लोग क्या कहते हैं, पुलिस क्या कहती है? पुलिस उठी ना रही, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही कहीं भी। अच्छा, हाँ कोई नहीं कहा ना, बात कर रही है। अभी तक नहीं पकड़ा, अभी तक नहीं पकड़ा। कितने आदमी है? कोई ना पकड़ो अभी तक। चार आदमी है, कौन कौन? एक तो उसका पिताजी है और तीन लड़का को। अच्छा, और नाम लिखवा रहे, वक्त दौड़ दिखानी ही तो और नाम नहीं लिखन दे, मैं को बकली लो। ठीक है, कहाँ गए भाई, भाई कहाँ गए? जिस पर आरोप है उसी का नाम लिखते हैं। आज अब ये देखिए, गरीब आदमी है, कई बार कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, अपनी बात को हो सकता है सही से ना रख पा रहे हो, लेकिन इनका कहना है कुसुम जो इनकी बेटी थी उसका मर्डर कर दिया गया, मारा गया, पीटा गया, और उसके बाद तीसरी मंजिल से फेंक दिया गया, उसके बाद उसकी मौत हुई ऐसा लग रहा है। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, आप लोग देख रहे हैं, और इसमें मैं दिखाऊंगा चोटें कहां कहां पर मेंशन है, कितनी चोटें। ये जो चोटें मेंशन है ये 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अगर इसको जोड़ेंगे तो करीब जो है 31 चोट आती है, यानी 30-31 चोट आई है। अगर वो तीसरी मंजिल से गिरती मान लो अपने आप, तो उसका पैर टूटता, लेकिन पैर नहीं टूटा, पैर नहीं टूटा हुआ था। उसका सर फूटता, सर फट जाता, लेकिन सर फटा हुआ भी नहीं था उसको, ऊपर से इंजरीज अंदर ही अंदर उसकी अंदरूनी चोटें थी सारी उसमें लगी, और सर में पीछे की तरफ गिरने की वजह से पीछे टूटा, फूट ज्यादा है। तो भाई साहब आप थाने जाते हो, क्या कहा जाता है? थाने जाते हैं तो थाने के कोई रिस्पांस नहीं मिलता किसी भी तरीके से, इन्हें बैठा के शाम तक बैठाया जाता है। तो शायद आपने ट्वीट किया है सीएम साहब को, अनिल बिजली को किया है, एक महीने से चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जब वहाँ पे जाते हैं थाने में, हमारे पास फोन आता है कि आप आ जाओ यहाँ पे, हम अरेस्ट कर लेंगे। कभी दहेज की लिस्ट मांगते हैं, कभी फोटो मांगते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है उनकी। और जब वो मुकेश जी से बोलते हैं कि आप गिरफ्तारी नहीं कर रहे, कि जी कर लेंगे जी दो दिन में। अच्छा, हाँ, जो वहाँ पे चौकी इंचार्ज है उनसे ही फोन करते हैं तो वो भी कहते हैं जी कर लेंगे दो दिन में। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ जी, पलवल भी होके आए हम लोग, उन्होंने भी दो दिन का टाइम लिया था। अच्छा, आज 15 दिन हो गए, एक महीना हो गया कुल मिला के, 24 तारीख की डेट थी आज, 24 तारीख है, कोई भी सुनवाई नहीं हुई अभी तक। अच्छा, हाँ जी। नहीं, आप बड़े अधिकारियों से मिले? हाँ, मिले हैं, एसपी साहब के ऑफिस में गए थे, तो वहाँ पे एक मैम थी, उनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उनके उन्होंने भी फोन किया था वहाँ पे, तो उनको दो दिन का टाइम दिया था, पर अभी भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। दो दिन का टाइम देने के बावजूद भी कोई भी सुनवाई नहीं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसमें पेट में लिखा हुआ है 20 ml ब्लैकिश लिक्विड मटेरियल, 20 ml काला लिक्विड मटेरियल पाया गया है, सेंट फॉर केमिकल एनालिसिस। तो क्या वो रिपोर्ट आई जो कह रहे हैं 20 ml ब्लैक मटेरियल पेट में पाया गया, अभी वो तो कहीं उसको कुछ दिया तो नहीं था? नहीं, अभी रिपोर्ट नहीं आई वो, नहीं, हमें यही रिपोर्ट मिली थी और बाकी की रिपोर्ट अभी मिली नहीं हमें। और चलो, इसमें जो रिपोर्ट है बहुत सारे सैंपल गए हैं अभी भी लैब में एनालिसिस के लिए। ये जब डॉक्टर साहब को दिखाया था तो इनमें चाकुओं के निशान भी आए हैं और सर में चोट लगी है। अब क्या मारा, हथौड़ा मारा है या डंडा मारा है, क्या मारा है? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कहता है 12 घंटे पहले की मरी हुई है। अच्छा, अच्छा, किसने कहा? ये डॉक्टर साहब ने बोला है, वैसे बोला है, इसमें लिखा है कहीं? हाँ, ये बोला है कि 4:30 बजे इसका पोस्टमार्टम हुआ है, तो उससे 12 घंटे पहले की मरी हुई है। अच्छा, सब लिखा हुआ है। अब यही चाहते हैं कि कार्रवाई हो। नहीं, आप वहाँ की एसपी साहब से मिले? जो एसपी साहब से नहीं मिले थे, उस टाइम नहीं थे वहाँ पे। मिलो, अच्छे अधिकारी हैं, थी बात नहीं, कार्रवाई होगी जो है। बाकी तो आज आपने पूरा चंडीगढ़ में टूर किया है सीएम साहब। तो दोस्तों फिर से आपको बता दें, यही फोटो है और इसका पति बिट्टू है, बिट्टू है ये, पहले का मामला है। हाँ, ये देख ली, कुसुम की फोटो है और उसके पति की फोटो है, और इसके पति पर ही आरोप लगा है कि मर्डर कर दिया और छत से नीचे फेंक दिया। खेड़ी एरिया में लोग रहते हैं, खेड़ी रोड पर, कौन सा एरिया है ये? भारत कॉलोनी है, चद्दर गोदाम, चद्दर गोदाम के पास ये लोग रहते हैं। और शादी हुई थी होडल में 5 साल पहले, लेकिन उसकी मौत कौन सी तारीख को मौत हुई?
मारा गया यही 24 तारीख को हुई थी जी, 24 मार्च को मारा गया उस कुसुम को, इनका यही कहना है। हमारी SHO साहब से आज बातचीत भी हुई थी, उन्होंने कहा कि पकड़ लेंगे एक दो दिन में, बाकी देखते हैं अगर वो एक दो दिन पकड़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर नहीं पकड़ते तो आगे देखा जाएगा। हो सकता है ये लोग SP साहब से, लोकेंद्र सिंह से, IPS उनसे शिकायत भी करें ये लोग, लेकिन हो सकता है एक दो दिन पकड़ लिए जाएं। अगर ऐसा होता है तो आपको अपडेट देंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।